कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को भोपाल आ रहे हैं। सिंधिया के स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां चल रही है। कई जगहों पर होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं, वहीं कई जगहों को कुछ पोस्टरों पर अज्ञात लोगों ने कालिक पोती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि होर्डिंग लगी हुई है, जिस पर एक तरफ नरोत्तम मिश्रा तो दूसरी तरफ सिंधिया के साथ पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े नेताओं की तस्वीर लगी है। लेकिन देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के फोटो को फाड़ा गया और चेहरे पर कालिख लगाई गई है। इन बड़े पोस्टरों में सिर्फ और सिर्फ सिंधिया की तस्वीर पर ही कालिख लगाई गई है, बाकी किसी के फोटो को छुआ भी नहीं गया। दरअसल सिंधिया गुरुवार को मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। सिंधिया इस दौरान राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। सिंधिया के स्वागत में जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, वहीं ये कालिख पोतने वाला कांड एमपी की सियासत को गर्म कर देगा। न्यूज़ डेस्क।